आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल एंड काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है एक ब्लॉग और इस ब्लॉग में होने वाली है पैकिंग. वी आर गोइंग समवेयर फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में. लेकिन हम क्या पैक कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ. लेट्स गो. जी जानू स्टोबेल स्टो क्या गुड मॉर्निंग. आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ. पानी पी लूँ? इजाजत है? थैंक यू. ओ आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ. आप जाओ, मैं आ रही हूँ. आप चले जाओ अंदर जानू. ओ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ जानू. आ रही हूँ. स्नोबेल सुनो, स्नोबेल जब आप अपनी सफाई कर लो तो किस दे दो. नहीं ऊपर कहाँ किसको दोगी जानू, मुझे 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 दे दो किस प्लीज. आ जाओ. नहीं इसका मतलब है नहीं, ये जो आप टेल कर रहे हो उसका मतलब है नहीं. किस दे दो प्लीज, प्लीज दे दो स्नोबेल. By the way, I so wanted to get this travel size iron. ये मैंने दराज से ऑर्डर किया, आई थिंक 2000 की थी, 2500 की थी, एंड सो फार इट्स रियली गुड. इसमें आप पानी भी भर सकते हैं और फिर स्प्रे कर सकते हैं. मैंने भरा पर देन आई डिस्कवर्ड कि पानी इसमें से निकालना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ट्रैवल में आप कैसे पैक करेंगे पानी के समेत, सो पानी के बगैर अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी. एंड नाउ लेट्स पैक विद मी. ओके सो प्लीज एक्सक्यूज द मेस. मैं यहाँ से दिखाना शुरू करती हूँ कि जो मैं कपड़े रख रही हूँ वो क्या क्या हैं. सो द प्लेस दैट वी आर गोइंग टू इज काइंड ऑफ लाइक अ ट्रॉपिकल प्लेस. गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, सो वो मैं बाद में रिवील करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं. बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या जो है वो चीज़ें रखी हैं. एंड आई एम अ लाइट पैकर बट इन अ वे कि हर चीज़ जो ज़रूरत की होती है वो मेरे सामान में से निकल जाती है. सो ये मैंने एक ऐसी कैजुअल शर्ट रखी है, हो सकता है कि मैं इसको सोते में पहनूँ और हो सकता है कि मैं इसको पहन के बाहर निकल जाऊँ. स्लीवलेस रखने की रीज़न ये है कि इवन इफ आई स्वेट तो इसको मैं कई बार इस्तेमाल कर सकती हूँ बिकॉज ये स्लीवलेस है. सो दिस शर्ट गोज इन. I wanna wear dresses, इसलिए I am only keeping one pair of jeans and that's it. ये सब चीज़ों के साथ चल सकता है. And this is my first dress. ये white color का है, बिल्कुल new है. ये मैंने लिया था रियाद में टेरा नोवा से एंड ये मुझे बहुत अच्छी कम प्राइस में मिल गया था. एंड आई लव 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 वाइट. इसकी एक छोटी सी मुझे प्रॉब्लम ये लगी थी कि अगर बहुत रोशनी हो ना तो थोड़ा सा लेग्स की तरफ से हल्का सा मुझे ट्रांसपेरेंट लगा था. तो एहतियातन मैंने एक इनएक्सपेंसिव किस्म का वाइट ट्राउज़र टाइट्स ले ली हैं. अगर मुझे ज़रूरत फील हुई तो मैं उसको पहन लूँगी, वरना नहीं पहनूंगी. एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग. Now after a lot of trial and error, मैंने जो मेरा पिंक फूशिया ड्रेस है जो आगे से लंबा है पीछे से इसमें एक स्लिट है, ये मैंने इस ब्रांड से लिया. आई हैव नो आइडिया इसका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट बेसिकली इट्स अ टर्किश ब्रांड जो कि इनएक्सपेंसिव है बट डिज़ाइंस इसके वही होते हैं जो डिज़ाइनर की लाइक ट्रेंडी जो चीज़ें होती हैं वो बनाता है. It was inexpensive and I think it's actually really good quality because yahan se maine ek bag bhi liya hai which is this. You must have seen it in my videos. To kafi maze ka laga hai mujhe. Love off shoulders. ये एक ऑफ शोल्डर में भी अवेलेबल था बट ये जो पिंक ये वाला जो पार्ट है ना, जब ये आपके फेस के करीब आता है तो वो हमारे व्हीटिश जो एशियन कॉम्प्लेक्शन होता है उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है. सो दैट्स व्हाई मैंने ये जो ऊपर तक गला है वो वाला लिया है ताकि ये कॉम्प्लेक्शन को कॉम्प्लीमेंट करे. जीन्स के साथ पहनने के लिए एक ये क्रॉप टॉप मैंने रखा है. एहतियातन अगर कुछ गिर गया तो ये वाला रखा है बिकॉज क्रॉप टॉप्स जो होते हैं ना वो आप ज़्यादा रख सकते हैं. दिस इज़ अगेन अ टिप बिकॉज लाइट होते हैं, इनका ज़्यादा वजन नहीं होता है. सो इस तरह की चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा भी रख लें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन बिकॉज उससे वेट नहीं बढ़ेगा.
ये वाइट टैंक टॉप मुझे मिला है टेरानोवा से, एंड इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि जब भी आप कोई वाइट टैंक टॉप लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट निकलता है, एंड वो आपको ट्राई भी नहीं करने देते बिकॉज वाइट टैंक टॉप जो होता है उसमें मेकअप लगने का चांस होता है, फिर वो कैसे उसको बेचेंगे. सो ये जब मैंने ट्राई किया, पहले मैंने ख़रीदा फिर मैंने ट्राई किया, एंड आई काइंड ऑफ हैड एन आइडिया कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा. सी, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, विच इज़ लाइक अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी. इसके साथ मैं पहनूंगी ये लामा की पैंट्स, जो कि एक बॉक्सर, इसको पता नहीं बॉक्सर लुक कोई पैंट्स कहते हैं कि ये ऐसा लगता है कि ये बॉक्सर है बट ये है नहीं. सो आई थिंक दैट्स ट्रेंडी. ये वाइट मैच कर रहा था इससे, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दैम. एंड अगेन टेरानोवा ब्रांड का ये एक ड्रेस है लार्ज साइज में. इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड आई एब्सोल्युटली लव द कलर. काफ़ी समर इसका फील है. सो ये काफ़ी लॉन्ग है. अच्छा, सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको नीचे क्या पहनना है इसके. सो द फन थिंग इज, ये ड्रेस मैंने ऐसे लिया था कि अभी तक मुझे कोई और ड्रेसेस मिले नहीं थे, तो मैंने ये ले लिया था. और ये शॉर्ट ड्रेस है, लाइक फॉर अ फॉर्मल डिनर. इसका कपड़ा भी थोड़ा सा मोटा है. मैं घर आई, मैंने ट्राई किया, आई लाइक इट, बट आई वाज लाइक शायद थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ही मोटा है. लाइक अगर आप इंडोर्स हैं तो सही है, फॉर्मल के लिए सही है. मैंने आबिद को दिखाया एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि ये मैं वापस कराऊंगी बिकॉज अब मैंने ये वाले ले लिए. आबिद वाज लाइक आई लव दिस कलर, एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई डोंट हैव दिस कलर. सो हमेशा मैं वाइट्स और ब्लूज ही ले रही होती हूँ. देन आई केप्ट इट. And oh my god, I love this black dress. इसका यहाँ से एक बहुत क्यूट स्लिट है जो कि जब आप वॉक करेंगे तो वो समझ में आएगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक टू मच. इट विल लुक रियली नाइस. तो इसके जो स्लीव्स हैं ना, आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप इसको कम्प्लीटली ऑफ शोल्डर भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट. अब ये एक बहुत ही सेफ ड्रेस है, ब्लैक है, शॉर्ट ड्रेस है. आई थिंक ब्लैक शॉर्ट या लॉन्ग ड्रेस जो होता है वो बस कभी भी कोई भी ड्रेस में अगर कोई मेल फंक्शन हो जाता है अगर वॉर्डरोब में, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ सेफ ब्लैक थिंग. ये वाला मैंने कराची प्ले हाउस से लिया था, प्री लव्ड, एंड आई हैव नो आइडिया क्या ब्रांड है ये. पता नहीं क्या ब्रांड है, इस पर लिखा हुआ भी नहीं है, बट दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. आई लव द कलर, आई लव द फिट. और ये मैंने एक्चुअली मैंने किसी पिक्चर में नहीं पहना हुआ ये, और ये एक्चुअली समरी लाइक लिनन मटेरियल भी है. ये एक इंतहाई मल्टीपर्पज़ चीज़ है. वाइट शर्ट है जो कि लंबी है, अगर मेरा दिल किया तो मैं इसको किसी टैंक टॉप के ऊपर पहन सकती हूँ, अंदर टैंक टॉप होगा ये ऊपर होगी, या हो सकता है कि एयरपोर्ट वापसी पे जब मैं आ रही हूँ तो ये एयरपोर्ट का एक अटायर हो जाएगा, बिल्कुल लूज कम्फी मज़े का. सो बहुत सारे तरीक़ों से मैं इसको कर सकती हूँ इस्तेमाल. एंड दिस, इसको मैंने रखा हुआ बहुत ही जहालत के साथ है, बट दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. मैं एक साल से इंतज़ार कर रही हूँ इसको पहनने का. एक बार मैंने लंदन में सिमिलर चीज़ पहनी थी, बट आगे उसके जो है ना वो फ्लावर्स थे. दिस इज़ प्रॉब्ली द माई फेवरेट ड्रेस डेट आई ओन, और मैंने अभी तक नहीं पहना. और यहाँ से इसकी शेप बहुत मज़े की है, ना ये लंबा है ना ये छोटा है, इट्स जस्ट परफेक्ट नी लेंथ ड्रेस. और ये मैं पहनूंगी किसी बहुत शदीद फॉर्मल दिन पे, लेकिन हो सकता है कि मैं ये पहले दिन पहन लूँ. उसकी वजह ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मैंने खाना बहुत ज़्यादा खाना है, और वाइट में आप ऑलरेडी मोटे लगते हैं. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब तक मैं थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से खा रही हूँ तब मुझे ये पहनना चाहिए वाइट ड्रेस, ताकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा मोटे ना. आबिद मुझे इस वक्त इतना भाई ऐसे दिखाती हूँ, आबिद मुझे इस वक्त इतना तंग कर रहा है बिकॉज आबिद ने मुझे कहा था मैं आपको बैग दिखाती हूँ, ठीक है. अभी सिर्फ ये कपड़े हैं, आबिद ने बोला एक साइड तुम्हारी एक साइड मेरी. अब आपको पता है शूज आएंगे, बैग्स आएंगे, अंडर गारमेंट्स आएंगे, आयरन आएगी, टॉयलेटरी आएगी, मेकअप आएगा, कहाँ आएगा. और ये जो मेरा हैंड कैरी है ना, इसमें मैंने आबिद के फ्रेंड्स के लिए पूरे में चिली चिप्स रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो कहाँ रखूँ मैं सामान. अभी होगी लड़ाई, और लड़ाई के बाद रिजल्ट ये होगा, आप मुझे देख रहा है, लड़ाई के बाद रिजल्ट ये होगा कि इस बैग में सिर्फ मेरी चीज़ें होंगी और छोटे बैग में आप. मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ. सो ये एक सेफ साइड ड्रेस है, अगर कभी कोई कुछ फट गया, कुछ गिर गया, तो उसके लिए ये है. देन ये मेरी हील्स हैं, वाइट न्यू कम्फी यहाँ से. फिर ये ट्रांसपेरेंट है तो ये हर एक के साथ चल जाएंगी. स्लीपर्स में आई एम गोइंग टू कीप दीज,
क्योंकि वाइट हैं तो ये हर एक के साथ चल जाएंगे और मैं वाइट शूज़ पहन के जाऊँगी, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई शूज़ के ऑप्शंस नहीं रख रही। अच्छा, बैग्स दिखा देती हूँ। इस बैग का मेरा प्लान है कि ये वाइट और ब्लैक ड्रेसेस के साथ चल जाएगा, और ये जो बैग है ना, ओफ आई लव इट। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दो पॉकेट्स हैं। सो जो एक है उसमें वीज़ा, पासपोर्ट, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, और एक जो है उसमें बिल्कुल इमीडिएट यूज़ का जो सामान होता है वो आ जाएगा। दिस टाइम आई माइट नॉट कीप अ बुक और प्रॉब्ली आई आस्क आफ्टर टू पुट इट इन बैग, सो आई जस्ट होल्ड दिस एंड प्रॉब्ली बैग। साथ साथ और भी काम चल रहे हैं, मेरे इन लॉज आए हैं 3 महीने के बाद USA और कैनेडा से, तो मैंने उनके लिए कुछ खाने बनाए हैं उनको भेजने के लिए, सो दैट वो बस इन्जॉय करें उनके टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी कम मिर्चें, थोड़ा कम नमक। So, have a look. छोटू, छोटू, ओके, कपड़ों वाली साइड हो गई कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू शो यू ऑल द अदर थिंग्स दैट आई हैव। इसमें मेरे सॉक्स हैं शूज के साथ पहनने के लिए, और मेरे अंडरगार्मेंट्स हैं। एंड नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि ये टॉयलेटरी बैग में सिर्फ एसेंशियल्स हैं और क्या क्या एसेंशियल्स हैं। सो दिस इज द फेस मॉइस्चराइजर दैट आई एम यूजिंग, और ये इतना सा रह गया है, तो मेरा प्लान ये है कि पूरा यूज करके वहीं पे मैं डिस्कार्ड करके हो सकता है इसको आ जाऊं जहां पे हम जा रहे हैं फॉर अ फ्यू डेज, एंड देन इरेजर बिकॉज बहुत जरूरी है। ये वैनिटी किट है जिसमें मेरी कॉटन बर्ड्स हैं, जब भी मुझे किसी होटल से मिलता है तो यहाँ पे इस पे मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट मैं और आप जितनी बार शावर लेंगे उस हिसाब से मैंने इसमें क्यू टिप्स रखे हुए हैं, और ये मेकअप वाइपिंग मैंने थोड़े से पैड्स रख लिए हैं 2-4 जितने की मुझे ज़रूरत होगी, एंड हो सकता है कि मैं वहीं पर यूज़ करूँ और ये डिस्कार्ड करके आ जाऊँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लकर, चाहे मैं कहीं 2 दिन के लिए भी जा रही हूँ आई ऑलवेज कीप इट अ फाइलर जस्ट इन केस नाखून वाखून टूट जाए। ऑल्दो मैंने ये जेल कलर कराया हुआ है, लेकिन जस्ट इन केस के नाखून टूट जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। एंड दिस इज रेजर फॉर माई फेस एंड नेल कटर, मुझे यूजुअली जरूरत नहीं होती। दिस इज समथिंग दैट आई कीप फॉर आबिद। ओके, सो ये मैंने दिखा दिया आपको। नाउ लेट्स, ये डिओड्रेंट ऑल्दो काफ़ी बड़ा है, मैं यूजुअली छोटे डिओड्रेंट्स रखती हूँ, लेकिन इसमें ना बहुत थोड़ा सा रह गया है। सो अगेन एज आई टोल्ड यू, तो हो सकता है मैं वहीं पे डिस्कार्ड करके आ जाऊँ यूज़ करके। एंड देन फॉर परफ्यूम आई एम ओनली कीपिंग 1 ऑप्शन। ये परफ्यूम भी मैं बता देती हूँ कौन सी है। दिस इज जिमी चू की, आई डोंट अंडरस्टैंड कौन सी है, जिमी चू की डिफॉल्ट वाली है, सो आई डोंट इन्जॉय इट अ लॉट, बट आई थॉट कि ये छोटी सी बॉटल है तो ये इसके साइज की वजह से मैं रख रही हूँ। एंड नाउ लेट मी जस्ट टेक एवरीथिंग आउट एंड शो यू। ये हेयर सीरम है बिकॉज मैंने अभी अभी स्मूथनिंग कराई है, तो मुझे सीरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और इसमें भी थोड़ा सा ही बिल्कुल रह गया है। ये एक बहुत ही क्यूट सा मुझे किसी ने दिया था शैम्पू, कंडीशनर एंड बॉडी वॉश की छोटी छोटी सी बॉटल, एंड इसमें मैंने रखा हुआ है अपना सल्फेट फ्री शैम्पू बिकॉज मैंने हेयर स्मूथनिंग कराई है। देन ये मेरी एक ऐसी सनब्लॉक है जो कि जेल बेस्ड है, जहाँ पर हम जा रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत एक ह्यूमिड जगह है और फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसलिए मैंने ये स्पेशली लेके जेल बेस्ड वाली रखी है। एंड देन मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने फेस वॉश रखा है
यही मेरा फेस वॉश होने वाला है और यही मेरा बॉडी वॉश होने वाला है। और ये एक ऐसी टिप है, जब से मैंने ये करनी स्टार्ट की है, मेरी टॉयलेटरी का जो बैग होता है वो इतना लाइट होता है, एक तो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड हैं बिकॉज इट्स अ शॉर्ट ट्रिप। मगर सबसे अच्छी बात ये है कि इसी को मैं बॉडी वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, आई डोंट लाइक दिस ब्रांड इज़ नाइस, ये कोई मेरा को मैं ब्रांड लॉयल नहीं हूँ, लेकिन ये जो 50 ml है ना, ये यूजुअली इसी ब्रांड में आता है एंड इट्स काइंड टू स्किन। एक बार मैंने यूज़ किया था, मुझे सूट किया था, तो इसलिए फिर मैंने ये रख लिया। एंड नाउ टाइम फॉर दिस लास्ट बैग। डिटैच भी हो जाता है बाय द वे, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवल साइज टूथपेस्ट, अ हेयर ब्रश जो कि मुझे अभी साफ करना है, प्लीज डोंट जज मी। एंड यहाँ पे मिरर होता था, अब ये मिरर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मुझे ये इतना पसंद है, आई रियली डोंट वॉन्ट टू डिस्कार्ड दिस ब्रश बिकॉज इट्स सच अ क्यूट कलर, इट्स अ वेरी ओल्ड ब्रश, कि मैं इस पे खुद से कहीं से आई डोंट नो करवा लूँ ये मिरर, बट जब तक नहीं है तब तक नहीं है। एंड कैचर मुँह धोने के लिए, छोटा कैचर, और जब भी होटल्स में मैं स्टे करती हूँ तो ये जो डिस्पोजेबल टूथब्रश होता है ना, मैं रख लेती हूँ ताकि वो गीला गीला टूथब्रश आपको वापस रख के ना लाना पड़े। दिस वॉज माई टॉयलेटरी बैग। दिस हेयर स्ट्रेटनर, एन अम्ब्रेला बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे इट रेन्स अ लॉट, सो हिंट हिंट। A cute iron जो मैंने आपको दिखाई थी। फुटवेयर में, फ्लैट्स में आई एम कीपिंग दिस, ये हर चीज के साथ चले जाएंगे बिकॉज इसका कलर ऐसा है। एंड ये मैंने लिए थे रियाद से, ट्रांसपेरेंट हील्स, तो ये भी लिटरली हर चीज के साथ चली जाएंगी। एंड दिस इज द स्किन कंडीशन आई हैव, प्लीज इग्नोर, लुक एट दिस। एंड सिंस मेरे पास काफी सारे वाइड ऑप्शन हैं कपड़ों में, तो मैंने ये हील्स भी रख ली हैं जो कि मेरी बिल्कुल नई हील्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। तीन फुटवेयर ऑप्शंस हैं और मैं वाइट कलर के शूज पहन के जाऊंगी, तो मैंने कोई भी कलरफुल फुटवेयर ऑप्शंस अब मैंने खरीदने भी बंद कर दिए और रखे भी इसलिए नहीं ताकि ये हर चीज के साथ चले जाएं। दिस इज अ ह्यूज एक्स्ट्रा बैग बाय द वे, जस्ट इन केस। एंड नाउ आई एम शोइंग यू द ज्वेलरी आई हैव। मैंने बहुत टाइम लगा कर ये सब जमा किया है, मेरे पास और ज्वेलरी है लेकिन ये मेरी फेवरेट ज्वेलरी है और मैं काफ़ी वो चीज़ें जो मैंने सालों से ना पहनी है ना मैं पहनूंगी डिस्कार्ड करती रहती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये मेरा सबसे नया जो है वो स्प्लर्जिंग थिंग है। इट्स नॉट रियल बाय द वे, इफ़ यू आर थिंकिंग ये एक्चुअल बल्गारी है, इट्स जस्ट डिज़ाइन। तो ये मैंने बड़ा अच्छा सा अच्छी सी प्राइस में लिया था रियाद से, और ये मैंने साथ में ये जो दो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लिया था H&M से। सो आजकल बड़ा इन है कि आप दो तीन चेन्स पतली पतली साथ में पहने, गोल्ड सिल्वर मिक्स, तो एक ये तो मैं पहन के जाऊंगी एयरपोर्ट। फिर ईवल आई नेकलेसेस की मेरे पास अब एक कलेक्शन है, एंड इससे पहले कि आप मुझे लेक्चर दें, लेट मी जस्ट टेल यू, आई लव द डिज़ाइन, दैट्स द ओनली रीजन आई वेयर इट। एंड इससे कुछ ईवल नहीं होता, इनफैक्ट इट्स द ऑपोजिट। इन अ लॉट ऑफ कल्चर्स पीपल बिलीव कि ये एक गुड लक साइन है, लाइक आपको नज़र नहीं लगती क्योंकि ये नज़र वाला साइन है ना, बट आई डोंट वेयर इट बिकॉज ऑफ दैट। आई जस्ट वेयर इट बिकॉज ए इट्स ट्रेंडी, बी इट्स इट लुक्स रियली कूल एंड थोड़ा सा बोहेमियन टच। सो एक टाइम था मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था, मेरी एक फ्रेंड को पता चला कि आई एम लुकिंग फॉर लाइक ईवल आई थिंग, सो शी गेव मी दिस ऑन माई बर्थडे एंड आई एब्सोल्यूटली लव दिस। देन अनदर फ्रेंड गॉट दिस फॉर मी फ्रॉम टर्की। फिर ये मैंने लिया था सिंगापुर से, लोविसा के नाम से शॉप थी। ये इयररिंग्स काफ़ी टाइम से ट्रेंडी हैं, मैंने अब खरीदे हैं, मैं कोई ट्रेंडी इयररिंग्स नहीं पहन रही थी सिवाय इनके, विच आर दीज ब्यूटिफुल पर्ल्स। ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं जो पीछे से ये फ्लैट होते हैं ट्रेंडी, एंड ये मेरी दूसरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं। सो मेरे पास ना ऐसे पर्ल्स विदाउट फ्लैट इतने ही साइज के दूसरे वाले पर्ल्स भी हैं, एंड आई थॉट कि या तो मैं वो पहनूंगी या ये पहनूंगी। सो आई डिसाइडेड जो एक्चुअली पहनने सिर्फ वो लेके जाऊंगी, एंड ये मैं लेके जाऊंगी छोटे वाले। देन ये जो ब्रेसलेट्स हैं, उफ इवल आई, ये मैंने आई थिंक यहीं के किसी, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, मैं बिल्कुल भूल गई। एंड ये तीनों मैंने लिए हैं हुंजा से, 100 rupees each।
बिकॉज़ ये बीड्स जो हैं ये कोई पर्ल नहीं है, ये नॉर्मल से बीड्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं चाइना से, और ये हुंजा में उन्होंने इनको असेंबल किया है. सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दीज ब्रेसलेट्स, और मुझे हुंजा की याद दिलाते हैं इसलिए मैंने ले लिए. फिर रिंग्स में पर्ल और गोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने रिंग्स लिए हैं. ये मैंने ब्लिंगी ब्लिट्स कोई ब्रांड है वहाँ से लिया था. एंड ये सारी मेरी रिंग्स हैं क्यूट क्यूट सी. सो नेकलेस सारे इसमें आ गए, ईयर रिंग्स सारे इसमें जाएंगे, ब्रेसलेट्स इसमें, रिंग्स इसमें, एंड ये सब. मेकअप मैं बहुत मिनिमलिस्ट सा रखती हूँ. ये मेरा सारा मेकअप है और ये कुछ बालों की चीज़ें हैं. पहले मैं आपको मेकअप दिखाती हूँ. सो ये दो स्टिक्स हैं जिसका मैं आपको शेड दिखाती हूँ. दोनों स्टिक के शेड्स हैं, क्राइलॉन की स्टिक्स हैं और ये बहुत लंबी चलती हैं. ना ये एक्सपायर होती हैं, ना इनमें से वो एक्सपायरी वाली स्मेल आती है. और ये जो ये आपको पता नहीं कैमरे में ऑरेंज क्यों लग रही है फ्लैश में, 303 फॉर डार्क सर्कल्स. और ये और बाय द वे मैंने अभी रिसेंटली ली है. और ये 45 है फेस के लिए. ये दोनों काफ़ी लाइट इस वक्त लग रही है, इतनी लाइट है नहीं. सो सिर्फ और सिर्फ ये लगाऊंगी मैं फॉर द बेस क्राइलॉन. आपको दिखाते दिखाते ही इसका जो कैप है ना वो लूज़ हो गया, तो इसको मैंने शावर कैप में दोनों को रख लिया ताकि किसी और चीज़ पे ना लगे. ऑल्दो ये लिक्विड नहीं है, बट अगर ये कैप लूज़ हो जाए तो फिर लग सकता है कहीं. ये है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, किसी कोरियन ब्रांड का प्राइमर है हाइड्रेटिंग, और ये मैंने लिया था स्प्रिंग से. इट इज़ सो गुड. मुझे बहुत कम प्राइमर्स होते हैं जो इतने पसंद आते हैं. आई हैव नो आइडिया इस ब्रांड का नाम क्या है, बिनेला को, बट हाईली रिकमेंडेड. जितने भी शार्लेट टिलबरी ये वो सारी चीज़ों से ये बेहतर है. फेमस नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है. हो सकता है फेमस हो, मुझे पता ना हो. फिर ये मैंने एक बहुत काफ़ी पहले एक्चुअली ये छोटी सी ना आई शेडो किट ली थी. ये बहुत ज़्यादा लाइट है और इसमें सारे वो कलर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं लाइक फॉर अ फैंसी नाइट. आई नो फंकी कलर्स नहीं है बट हु केयर्स, नहीं लगाती मैं फंकी कलर्स ज़्यादा. सो ये एक ब्लशन है जो कि ये ब्लश ऑन मेकअप ऑब्सेशन का है और ये आप देख सकते हैं इसकी हालत ख़त्म होने वाला है. एंड आई नाउअडेज जस्ट फिनिश माय कॉस्मेटिक्स बिफोर बाइंग एनीथिंग न्यू. लाइक इसका आप हाल देख सकते हैं, लॉरियल का ये फिक्सिंग पाउडर है. तो मेरा प्लान ये है कि ये मैं पूरा इस एक हफ्ते में ख़त्म कर लूँगी इस इन ब्रश से लगा कर, इस वाली ब्रश से मैं इसको सेट करूँगी एंड फिर मैं ये हो सकता है कि फेंक दूँ. आई एम गोना डिस्कार्ड दिस इन दिस ट्रिप आफ्टर यूजिंग इट. ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरी पप्पो मेरे लिए लेके आई थी जर्मनी से. इसकी बहुत प्यारी ये वाइब्स हैं और अगर आप ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रहे हैं तो ये जो इस वक्त इस तरह से करने में आप शाइन देख रहे हैं ना, लिटरली ये शाइन आप फील कर सकते हैं कॉलर बोन्स पे, लेग्स पे, आर्म्स पे, फेस पे. मैं नहीं लगाती इसको लेकिन लोग इसको फेस पे जहाँ आप हाईलाइट करते हैं वहाँ भी लगा सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट. So I might use this as a highlighter या इनमें से कुछ यूज़ कर लूँगी, I'll see. आई पेंसिल्स में ये ब्लू भी मैंने रखी है लेकिन जो बेसिक कलर्स हैं ना, सो ये है ब्लैक कलर. मेरी आईब्रोज ब्लैक हैं तो हल्का सा ये और हल्का सा ये ब्राउन आई ब्राउ पेंसिल, इन दोनों को मर्ज करके मैं अपनी आईब्राउ फिल करती हूँ. देन ये ब्राउन इसलिए है बिकॉज मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो जब उन पर ब्राउन लगता है तो वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं या ग्रे लगता है. सो किसी दिन ब्राउन, किसी दिन ग्रे, देन वाइट छोटू सी रह गई है ये आई के अंदर लगाने के लिए. एंड ब्लू एक ब्लू ड्रेस के साथ मैं पहनूंगी, वाइट या ब्लू ड्रेस के साथ इसको मैं आईज़ पे लगाऊंगी. मेरी आईज़ पे फॉर सम रीज़न ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, लाइक फंकी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, येलो, ब्लू, ऑरेंज. सो या एंड These are the lip colors I'm keeping. यही कलर है जो यहाँ दिखा रहा है, ये कलर है जो एक ब्राउनिश सा कलर है. इसको आउटलाइन में ब्राउन के साथ करूँगी. देन ये एक लिप इंजेक्शन प्लम्पिंग है जो कि बहुत थोड़ा सा रह गया है तो हो सकता है मैं इस पूरी ट्रिप में एक हफ्ता यूज़ करूँ एंड देन मैं इसको वहीं डिस्कार्ड करके आ जाऊँ. एंड देन ये थोड़ा सा डार्क है मेरे हिसाब से, मैं इतने डार्क कलर्स पहनती नहीं हूँ, आपको ऐसे लाइट लग रहा है लेकिन काफ़ी डार्क है. लेकिन इसकी आउटलाइन के लिए मैं इसको रख लेती हूँ. एंड देन कभी कभी क्या होता है कि आपको ना ब्राउन के साथ मैं कुछ मिक्स कर लेती हूँ. सो ये वैसे ऑन इट्स ओन इट्स अ वेरी ब्राइट शेड एंड आई डोंट वेयर ब्राइट शेड्स क्योंकि मेरी लिप्स पतली हैं तो अच्छे नहीं लगते. लेकिन जब मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ ना तो ये न्यू क्यूट बेबी पिंक कलर बन जाता है. एंड ये रेड है,
ये बस मेरे पास था तो मैंने रख लिया. हो सकता है जिस दिन आई मेकअप बिल्कुल ना करने का दिल चाहे उस दिन पहन लूँ. एंड ये इन ब्रशेस का मेरे पास पूरे सारे ब्रशेस का एक सेट है, लेकिन मैं सारे नहीं रखती हूँ बिकॉज मैं इसी से ब्लश करती हूँ, इसी से कॉन्ट्रोल करती हूँ, इसी से कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, इससे बस नोज़ कॉन्ट्रोलिंग करती हूँ और इससे मैं लिप्स की शेप देती हूँ. और एक मस्कारा है, एक ब्लेंडर है बालों के लिए जिस दिन मुझे स्लीक पोनी बनानी होगी. ये IGI की बहुत ज़बरदस्त हेयर स्टिक है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसमें एक कोकोनटी स्मेल आती है, तो लगता है आपने नारियल का तेल लगाया हुआ है सर पे. दैट्स वन इशू बिकॉज मैं कभी भी ऐसे स्टिंगी ऑयल नहीं लगाती सर पे कभी भी. सो इसकी स्मेल मुझे कुछ खास पसंद नहीं है एंड अगले दिन बाल धोने पड़ते हैं, मगर जो ये लुक देता है ना स्लीक पोनी का, ऑफ नथिंग लाइक इट. एंड ये बाय द वे मैंने वलिया की स्टोरी पे देखा था और ये मेरे पास आई थिंक साल हो गया इसको और ये चली जा रही है बिकॉज कभी कभी इस्तेमाल होती है. इसी के लिए तेल कोम बिकॉज आप सेंटर पार्टिंग करते हैं एंड देन कुछ बैंड्स ताकि पोनी या बन कुछ भी एंड सम हेयर पिंस ताकि वो स्लीक ही रहे. सो दिस इज माई एंटायर मेकअप कलेक्शन और ये सारी जाएगी इस. और ये मेरी इंतहाई प्यारी एक्सटेंशन बोर्ड है. ये तीनों काम करते हैं. कुछ दिनों पहले ये ख़राब हो गया, बट इवन अगर ये ख़राब भी हो जाए, लेट्स से अगर ये इतनी सी भी होती तो भी ये इतनी ट्रैवल फ्रेंडली है और इसके साथ ये एक ट्रैवल अडेप्टर है जो कि आई थिंक काफ़ी जगहों पे चल जाता है. सो ये भी मैं रखने वाली हूँ, इसी में हम इसको लगा देंगे. एंड मैं एक आईफोन का चार्जर रखने वाली हूँ. स्विमिंग कॉस्ट्यूम जस्ट इन केस, सब जौहर जशादा के डब्बे बिकॉज किसी ने हमसे वहाँ पे मंगवाए. दीज आर माई चार्जिंग थिंग्स. इसके अलावा ये तीनों चलते हैं, ये पावर बैंक के लिए, ये फ़ोन के लिए, ये इंटरनेशनल समथिंग एंड एक्स्ट्रा लीड. ये सब आ गया इसमें. मोस्ट फेवरेट ग्लासेस, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे एंड आई लव देम. हैंड बैग मैंने लिया था जिसमें सारी चीज़ें मेरी आ जाती हैं, हैवी भी नहीं होती, दो पॉकेट्स हैं इसमें. एंड कलर आई नो हर चीज़ के साथ नहीं आप पहन सकते, लेकिन वाइट्स के साथ, लाइक प्लेन वाइट के साथ, ब्लैक के साथ आप पहन सकते हैं. एंड एक्चुअली बहुत मटेरियल बहुत मज़े का है, इसलिए मैंने कहा कलर पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. आई वॉन्ट टू गेट समथिंग वाइट, बट देन आई लव दिस कलर, आई एम फॉलिंग इन लव विद दिस कलर. देन टू शॉर्ट्स विद वन शर्ट जस्ट इन केस. ओके, ये थी पैकिंग. पहले मैं सोच रही थी मैं आपको अपना जो कैरी ऑन बैग है वो भी दिखाऊं. हो सकता है मैं इसके बाद वाली वीडियो में दिखा दूं. डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी कि मैं अपने कैरी ऑन बैग में क्या रखती हूँ फॉर अबाउट अ 7 hour फ्लाइट और 2 hours फ्लाइट. सो बेसिक टोटल आवर्स ऑफ फ्लाइंग वुड बी 9 hours, मगर बीच में स्टॉप ओवर होगा. अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपने गेस करना है और मुझे बताना है कि आपको क्या लग रहा है मैं कहाँ जा रही हूँ. हिंट्स फॉर यू, इट्स अ ह्यूमिड कंट्री, इट्स गोइंग टू बी रियली हॉट देयर. That's it. हर बार ये नहीं बोलती हूँ, I know, but if you like my channel, please like, share, subscribe, comments में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं. And also do click on that bell icon so that you guys can never miss an update. See you in my next vlog, जिसपे हम उस country में होंगे. तब तक मैं देखूंगी कि किसने सही guess किया है. So, ta-da!